नमस्कार दोस्तों, जयगांव मेरस में आपका स्वागत है। इस समय मैं जुड़ रहा हूँ जयगांव एक नंबर ग्राम पंचायत क्षेत्र के मंगलाबाड़ी गुरास टोल से और आप सभी के समक्ष विजुअल साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ दिन से लगातार बारिश के वजह से एक घर पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। घर का आधा हिस्सा पानी के चपेट में आने के वजह से बह गया है। यहाँ से बगल से जो भूटान से बारिश का पानी जो आ रहा था पहाड़ों से, उसके वजह से काफ़ी क्षति हुआ है। और स्वयं इस समय ग्राम पंचायत के प्रधान कमल पाखरिन जी इस समय दौरा करते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं, साथ साथ में अन्य नेतागण और तृणमूल अंचल सभापति सुभाष लामा जी भी यहाँ पहुँचे हैं और साथ में कालचिनी पंचायत समिति के सभापति अरुणा परियर जी भी यहाँ पे पहुँचे हैं। चलते हैं, आप सबके समक्ष विजुअल साझा करते हैं और क्या क्षति हुआ है घर वालों के साथ बातें करते हैं और बाकी अन्य लोगों के साथ भी बातें करते हैं। किस तरह से ये क्षतिग्रस्त हुआ है, क्या कितना क्षति ये हुआ है? जो है परसों रात में जो है बारिश हुआ, दो गाछ गिर गया तो हम लोग तो बच गए, और कल रात में जो है फिर बारिश हुआ, दिन भर बारिश हुआ है तो हमारा जो है, हम लोग घर में सोए हुए थे, अचानक हल्ला हुआ कि घर गिरेगा। हम लोग बाहर निकले, देख रहे हैं हमारा घर जो है कोना टूट गया। फिर बाद में हम लोग कुछ सामान तो हम लोग निकाल पाए और नहीं निकाल पाए, यही है। कितना क्षति हुआ है? हमारा सिलेंडर चला गया, पलंग था वो चला गया, कुछ सामान निकाल पाए, कुछ सामान नहीं निकाल पाए, वो ऐसा ही पानी में चला गया। अभी आप लोग मतलब इसी में रह रहे हैं ना, कहीं और से? नहीं, अलग शिफ्ट कर किए, ये बगल में ही किए हैं। तो अभी प्रधान पंचायत लोग जो आ रहे हैं, क्या कुछ आपको आश्वासन कुछ मिल रहा है? अभी तक तो उन लोगों ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन हम लोग बोले हैं कि हाँ प्रधान जी, यहाँ जाली लगा के, बोल्डर लगा के वाल कीजिए, इसमें जीसीबी लगा के कुछ मट्टी लिखवाइए ताकि पानी सही ढंग से जा सके। तो हम यही अनुरोध करते हैं प्रशासन से कि हमारा ये जल्द से जल्द काम हो, नहीं तो ये पूरा गांव जो है बर्बाद हो जाएगा। आपका कितना क्षति हुआ? हमारा करीब नहीं भी तो 1.5 लाख रुपये क्षति हुआ होगा। कोई हताहत तो नहीं हुआ? सामान नष्ट हुआ है। क्या क्या चाहेंगे, मतलब प्रशासन से क्या बोलना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहेंगे, हमारा काम हो जाए, हमारा घर, हम गरीब आदमी हैं, डेली कमा के डेली खाने वाले हैं, भूटांग बंद है, अभी हमारे पास तो रहने के लिए भी सोचना पड़ रहा है कि कहाँ से हम भाड़ा देंगे। अभी सर छुपाए हुए हैं किसी के घर में, हम बोले हैं भाई हमको 2-4 दिन रहने दो, हफ्ता दिन, यही है। अब चाहते हैं कि हाँ प्रशासन की हमारा जो है कुछ सही काम हो, मेरा घर का क्षति हुआ है, अगर सरकार से हमारा कुछ हेल्प हो जाता है तो हम उसको बना के हम अपना बाल बच्चा लेके रहेंगे। आपका नाम और परिचय? हमारा नाम है मोहम्मद रमजान, निवासी मंगलाबाड़ी जयगांव। आंटी, क्या हुआ है थोड़ा बताइए, आप लोग क्या समस्या यहाँ पे हो रहा है? अब समस्या क्या हो रहा है ये तो आप लोग देख ही रहे हैं क्या हुआ है बोल के, है ना। यहाँ बारिश आने से बहुत दिक्कत होता है, सबका नींद चैन सब हराम हो जाता है, हम लोग बहुत परेशानी में हैं। आप लोग, हम लोग प्रोटेक्शन वाल का एक ठो अनुरोध करते हैं प्रशासन से, समझे? ये मेरा जीजा जी का घर है, वो रात को अगर 5 मिनट लेट होता तो 3 आदमी का हत्या हो चुका होता अभी तक, ठीक है ना। हाँ, फसाद हो जाता है, समझे? अभी बेचारा कभी हालत ठीक नहीं है, जो वैसा करके दोबारा बना लेगा, दूसरा जगह बना लेगा। एक ही घर नहीं है, यहाँ सारा घर जितना सभी परेशानी में, 3-4 नदी है यहाँ पर एक साथ, आप आगे चल के भी देख सकते हैं वो नदी सब, ब्रिज नहीं है एक ठो, जो रात को परेशानी होगा तो आदमी पार होके चला जाएगा उस पार। अभी तो ये घर को क्षतिग्रस्त पहुँचा है, आप लोग का गाँव में भी डर है? हाँ है, डर है। हम लोग का भी गाँव में, उस तरफ भी नाला गिरा दिया, पूरा प्रोटेक्शन वाल दिया था ये लामा लोग, वो सब उल्टा दिया है। बिजली का खुटी वो भी रिक्स में है, वो किसी दिन गिरेगा तो वो भी आग लग जाएगा। आग लग जाएगा, घर में हम लोग तो घर में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ ज्यादा हो गया तो अभी इधर ही सब लगा हुआ है। वैसे आप चल के देखना चाहते हो तो चल के देख सकते हैं। क्या बोलते हैं,
पंचायत प्रधान लोग आए हैं कुछ काम के बारे में। हाँ, काम के बारे में बोलना है जो हम लोग को थोड़ा सेफ्टी के लिए प्रोटेक्शन वाल थोड़ा करवा दीजिए, और जेका जेका टूट फूट गया है थोड़ा उनके लिए रिपेयरिंग कराने का इंतजाम करा दीजिए। और क्या बोल सकते हैं आंटी का नाम उतापट्टि यही पानी भाई उतापट्टि जान्छ होइन रातभरि सुतेको छैन हामी पनि ढुङ्गा यत्रो यत्रो आउँछ उताबाट दैलोमा एकदम डङ डङ्ग छ तिन दिन भयो नसुतेको मेरो छोराछोरीहरू नसुतेको हो अब बन्द गरेर जाउँ भने पनि कहीँ जाउँ भने पनि जाने जग्गा छैन हाम्रो रातभरि सुतेको छैन तिन दिन भइसक्यो त्यो खोला आएको दिनको यत्रो यत्रो ढुङ्गा बगाएर ल्याउँछ डङ डङ अन्त त्यो बिजुलीको खम्बा पनि हल्लिन्छ हाम्रो घरको छेउमा त्यो लड्यो भने मलाई त्यसको डर लाग्छ त्यो लड्यो भने सबैजना खरानी हुन्छ मर्छ मान्छे अन्त फेरि पर्सम भयो त्यो नालाभित्र गुम्बाले बनाइदिएको छ त्यो पनि आधी निकालिदिएको छ पानीले गर्दाखेरि अब भित्रभित्र पानी पसेर मेरै घर पनि लगिदिन्छ होला त्यहाँनिर ब्रिज पनि बनाउनु पर्ने छ ब्रिज बनाइदिँदैन पञ्चायतले हेर्नु आउँदैन केही गरिदिँदैन हामी अब यहाँ राति पानी आउँछ पार हुनु सक्दैन पानी यत्रो आउँछ त्यो मेरो खाटामा त झन् यस्तो उफ्री उफ्री आउँछ माथिसम्म पानी आउँछ अन्त रातभरि सुतेको छैन तिन दिन चार दिन भइसक्यो रातभरि सुतेको छैन मेरो छोराछोरीहरू डराउँछ हो जाउँ यहाँबाट भागौँ हिँडौँ भनेर भन्छ अब के गर्नु बस्नै पर्छ आफ्नो घर हो छोडेर कहाँ जानु त्यही हो त्यो ब्रिज पनि बनाइदिएको छैन पानी पुरा माथिबाट आउँछ ढुङ्गाहरू यत्रो यत्रो बगेर आउँछ दैलोमा डङ डङ गर्छ त्यहाँ पनि पुल बनाउनु पर्ने छ अन्त बत्तीको बिल पनि मैले अस्ति बत्ती बनाउनेलाई भने यो तिमीहरूले बत्ती पानीको यहाँ खोलामा गाडेको छ यो खोलाले गर्दा हल्लेर लड्यो भने चाहिँ हामी सबैजना यहाँ मर्छ भन्दा अरे नै हल्लेगा नै हल्लेगा यसरी रहने दो कहाँ हल्लेगा भनेर भन्यो हो त्यहाँदेखि हामी मैले भने सबैजनालाई ठन्डा महिनामा हामी गाउँकोहरू सबैजना मिलेर प्लास्टर गरौँ अहिले त पानी बग्दैछ ठन्डा महिनामा आएर चाहिँ सबैकोबाट पैसा उठाएर चाहिँ हामी त्यहाँ प्लास्टर गरौँ भने प्लास्टर गरेन भने भित्र खनेर लाँदैछ घर अमिता थापुन घर यहीँ तल छ पानी जहाँ बग्दैछ त्यहीँनिर छ त्यहाँ पनि ठुलै आउँछ पानी हेर्नुहोस् तपाईँले विश्वास गरेन भने प्रधानज्यू तपाईँ यहाँ आउनु भएको छ के हेर्नुभयो के ग्राम पञ्चायतबाट के यहाँ मद्दत म त त्यहाँ प्रोटेक्सन वाल हेर्नु पऱ्यो मलाई त खबर थिएन अहिले भर्खर हाम्रो अञ्चलको प्रेसिडेन्ट सुभाष लामाज्यूले खबर गर्नुभयो र खबर फोन पाउने बित्तिकै म कुदेर आएँ यहाँ हेरेँ यहाँ क्षतिग्रस्त भएको रहेछ यसको लागि प्रोटेक्सनको लागि म सल्लाह गर्छु यहाँ अहिले मेम्बर पनि हुनुहुन्न मेम्बरको रिप्रेजेन्टेटिभ कोही छ एउटा भाइ उहाँसँग सल्लाह गरेर यो घरको त त्यो बरन्डा मात्रै गएको रहेछ घरमा सरेको छ सिफ्टिङ भएको छ अरे रातिको पानी यहाँ मात्रै होइन हाम्रो जयगुमान जिपीमा प्रत्येक 19 वार्डमै इफेक्ट छ गड्डी खोला छ हाँसीमारा झोडा छ त्यसको बादमा के अरे गोबरजिती छ बाहुनी झोडा छ त्यसको बादमा यहाँ जोगी खोला छ खोलै खोलाले भरिएको छ सबै खोलाले क्षतिग्रस्त पुऱ्याएको छ क्षति पुऱ्याएको छ यस विषय लिएर अब अहिले जेडिएमा बस्ने एउटा मिटिङ अब डिएमहरूलाई एउटा सूचना दिनु पऱ्यो यो अवस्था छ यो ग्राम पञ्चायतको एक नम्बर जयगाउँ एक नम्बर ग्राम पञ्चायतको यो अवस्था छ भनेर म त्यहाँ जाँदैछु। प्रधानज्यू अहिले भर्खर सूचना पाउनुभयो बिहिबारे ब्रिज चाहिँ ड्यामेज भएको छ पानीले गर्दा। अँ मलाई जयगाउँ डेभलपमेन्ट अथोरिटीको चेयरम्यानले भन्नुहुँदै थियो त्यो त अब हाम्रो लेभलको कुरा होइन त्यो उहाँ हाई लेभलले गर्छ त्यो ठुल्ठुलो कामहरू त तर उहाँले थाहा पाएपछि अवश्य नै डिएम साहबहरूलाई सूचना गरिदिनु भयो छिटो गर्नु पऱ्यो किनकि त्यो त्यो ब्रिजले ब्रिज भत्कियो भने जयगाउँमा यातायात नै बन्द हुन्छ त्यसको लागि हामी अब हायर अथोरिटीहरूलाई जनाएको छौँ मोटामोटी अब जयगाउँ डेभलपमेन्ट अथोरिटीको चेयरम्यानले थाहा पाइसकेपछि यो पक्कै उहाँले अवश्य माथि जनाउनु भयो होला यो आशा अहिले मैले गएको छुइनँ त्यहाँनिर अहिले जतिवटा घर वास भएको छ वास आउट भएको छ घरहरू उहाँहरूको लागि एउटा छोटा मेची बस्तीमा एसएसकेमा एउटा शिविर क्याम्प खोलेको छ म त्यहाँ जाँदैछु त्यहाँ कमसेकम 43 मान्छे भइसकेको छ त्यहाँको खानापिनाको व्यवस्था गर्नुको लागि म त्यहाँ जाँदैछु। सुभाषजी तपाईँ यहाँ आउनु भएको छ एउटा घर क्षतिग्रस्त भएको छ हेर्नुमा आउँदो रहेछ के हेर्नुभयो तपाईँ के यसको लागि के प्रबन्ध हुँदो रहेछ? नमस्कार, आज हामी जुन जग्गामा आएको छौँ यो जग्गाको नाम हो मङ्गलबारे ग्रास टोल जयगाउँ जेपी 1 वार्ड नम्बर हो 11
31 यहाँ आज 3 दिन को जो जो पानी आई रहेको छ बारिश जो बारिश हो रहा है 3 दिन से तो उसी बारिश के चलते अभी भूटान का जो पानी है नदी का पानी ज़्यादा बढ़ गया। इस पानी के चलते आज यहाँ पर जो घर देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं इस घर का परिस्थिति ये हो गया तो क्यों होगा ये पानी के चलते आज ये पानी पूरा घर को मार दिया घर को तोड़ दिया। ऐसा समस्या जयगू में बहुत जगह है। ये समस्या ये नहीं है ये छोटा समस्या है इससे बड़ा बड़ा समस्या हम जयगू हो रहा है लेकिन हम लोग हर जगह देख के हम लोग रिपोर्ट दे रहे हैं गवर्नमेंट को प्रशासन को रिपोर्ट दे रहे हैं अब प्रशासन सब जगह देख के क्या विचार करेगा ये प्रशासन के ऊपर है। बचा हुआ कार्य के लिए क्या किया जा रहा है? बचा हुआ कार्य के लिए हम लोग रिपोर्ट तो दे रहे हैं अब उनका विचार और उनका उनका ऊपर निर्भर है। दिदी तपाईं आउनु भएको छ यहाँ एउटा घर क्षतिग्रस्त भएको छ हेर्नु भयो के यो घरको लागि के भन्नुहुन्छ? अब यो पानीको लागि धेरै जग्गामा यस्तो क्षतिग्रस्त भयो यहाँ पनि यस्तो भएको रहेछ यहाँ भाइहरूले मलाई बोलायो बिहान कि दिदी यस्तो यस्तो भएको छ राईगाउँमा भनेर यहाँ आएर देख्दा साँच्चै नै यस्तो समस्या भएको रहेछ। यहाँ हेर्दाखेरि कुनै प्रोटेक्सन वाल छैन भुटानको पानीले अब हर सालै यही समस्या नै होला यहाँको यहाँहरूको मुखबाट सुन्दाखेरि प्रत्येक साल नै यहाँ दुर्घटना हुनेको कोही सम्भावना छ यहाँ सानो सानो नानीहरू बसोबास गरिरहेको छ हो अन्त त्यसको लागि म छिटोभन्दा छिटो ब्लक लेभलमा बात गरेर बिडिओसँग बात गरेर डिएमसीसँग अब यो त एडुकेसनको मार्फतै हुन्छ एडुकेसनको मार्फत दिएर अलिकति गार्डवाल इमर्जेन्सी विशेषमा गर्ने चेष्टा गर्छु हो। एडुकेसनको विषयमा अब एडुकेसनमा त हामीले अस्ति पनि गएर बातचित गऱ्यौँ त्यो एडुकेसनको अफिसरको भनाइ मुताबिक अहिले फन्ड नहुनाले कारण बडा मेची बस्तीमा पनि गार्डवालको लागि अड्किरहेको छ अब र पनि हामीले चारैपट्टिबाट दौडादौडी गरेर एक्सन प्लानमा हालेको छौँ छिटोभन्दा छिटो अहिले इमर्जेन्सी विशेष चाहिँ कुछ हामीले यो मतलब पानीको रोकआउटको लागि चाहिँ इमर्जेन्सी विशेषमा चाहिँ गार्डवाल दिने चेष्टा गर्छु। दिदी यहाँ मानिसहरूको भन्नुमा आउँदो रहेछ कि नाला जस्तो छ आउने जानु लागि एउटा कलभर्ट जस्तो भयो भने राम्रो हुन्छ। मैले पनि त्यही भनेको जस्तो कि कलभर्ट बनायो भने चाहिँ यहाँ सानसानो नानीहरू छ कोही एक्सिडेन्टली प्रब्लम हुँदैन अब हिँड्नु यताउति जानु नानीहरूलाई त अब रोक्नु सक्दैन कलभर्ट बनायो भने त बहुतै राम्रो हो तर अब यो अहिले चाहिँ इमर्जेन्सी विशेषमा चाहिँ गार्डवालको बहुतै भन्दा पनि बहुतै जरुरी छ। दिदी अहिले इमर्जेन्सीमा जस्तो यो घर त आधी त गइसकेछ आधी बाँचिरहेछ त्यो पनि जानु आँटेछ इमर्जेन्सीमा के काम तपाईँहरू गर्नु? इमर्जेन्सीमा अब अहिले म ब्लकमा जान्छु हो बिडिओसँग बात गरेर अब यो फोटोहरू खिच्छु फोटोहरू खिचेर यो पठाउँछु डिस्ट्रिक्टमा अब हेरौँ कुनै अब इमर्जेन्सी फन्डहरू छ भने अब यो घर जस्तो किसिमले गएको छ बनाउने व्यवस्था गर्ने चेष्टा गर्छु। New Kalimpong Stores deals in Buddhist religious items and general order suppliers. Wholesale and retailer, Main Road, Mangalabari, Jaigaon, District Alipurduar, West Bengal. Contact +91 7557891233, +91 6206656078, +97577848281.